बहुत जल्दी है जी, उत्थे दूध की चवाई हो जानी है, फिर पानी पी सकदा है यार। ये भैंस का दूध कैसे जो है वो क्या कहते हैं उसे पंजाबी में, तो तारा का दूध कैसा होता है आपको दिखाएंगे। तारों का जहान। ये देखें जी, तारे ही तारे। तुम्हें तारों के शहर में ये भाई होंगे जो कि आज दूध निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। एक मिनट, ओए ओ मेनू मारती इन्हें पूछल आए सीधिया तारा। बाकी ये नान भाई फेरिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर वाफियत। जनाब आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त बाइक पे बैठे हैं। बाइक पे बैठने का सीन नहीं मैंने दिखाया, हमें है जल्दी है। हाँ जी बहुत जल्दी है जी, उत्थे दूध की चवाई हो जानी है, फिर पानी पी सकदा है यार। पहले दस्ता आपां करना की है जनाब, आज का वीलॉग जो होगा हम दिखाएंगे आपको कि भैंस का दूध कैसे जो है वो क्या कहते हैं उसे पंजाबी में, तो तारा का दूध कैसा होता है, और हम ताज़ा दूध पियेंगे भी वहाँ पे, घर के लिए भी लेके आएंगे। वो बच्चों के लिए होता ना, हम तो दूध पियेंगे वो वाला काम आज आपको दिखाएंगे। लो जी जा रहे स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल से, जा रहे पाला भाई। लो जी हम जा रहे हैं अब दूध लेने के लिए। और मेरी बात सुन ले, आज हनान भाई ने अपने गोडे निकाले हुए हैं। गोडे निकाले हुए और हमने पहले निकाले हुए। वॉक पे भी जाना है। हाँ जी, दूध पी के फिर बाद चो वॉक, फिर उसके बाद रोटी, लंगर, पानी, खाना पीना। कोई ना कोई यार, मैं बड़ी देर बाद आज मोटरसाइकिल पे बैठा और बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी वहां पे पहुंच के आपसे बात करूँ। अच्छा जी, रास्ते में हम एक जगह रुक गए हैं, अब उसकी वजह क्या है, जरा आए जी भाई जान। किसी ने देखा है, हम आपको दिखाएंगे तारों का जहान। तारों का जहान, तो तारों का जहान जो होता है ना, वो दिन तक लेना कोई ले जाए। ये देखें जी, तारे ही तारे। ये पता नहीं कौन सा इलाका, कौन सा उमरे फारूक टाउन है। आओले चले तुम्हें तारों के शहर में। अच्छा एक और चीज मजे की आपको दिखाते हैं जरा। तारों का जहान तो दिखा दिया, तारों के बाल दे तारों के बाल। ये मीटरों का जहान चेक करें जरा, नहीं पा सकते जी, इन्ने मीटर लगे ने इस खंबे ते, पता नहीं की गल। मैं कह यार रुक के तानू भी दिखाना चाहिए। ये पता की है, हाँ। जिदा सोरिया ने तवीज पाए होंगे ना जवाई नू, ये खंबे नू तवीज पे ने ते बिल काट आंदा बिल, ठीक है ना, कठे इन्ना ने लाए। चलो जी आगे चलते हैं वहां पे पहुंच के आपसे बात करते हैं। हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, वो पीछे चेक करो ये कौन है, पातियां तो दिखा की जेडी हुसन हैगा इस वीडियो दा, वो तो दिखाया ही नहीं। इस वीडियो दा हुसन तो दिखाओ। लो जी अब हम अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि दूध जो है वो कैसे निकाला जाता है। आए मेरे साथ, गाय का। अब जा रहे हैं अंदर, ये चेक करें, ये भाई होंगे जो कि आज दूध निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप, मिजाज ठीक है, सेहत ठीक है, फिट फाट है। वैसे भी वो चीटे हैं, ये ज्यादा तारे पीते हैं। हाँ असि अपना एक्सपाई पहले भेज दिता सी भी जाके जेड़ा ना टाइम दे नाल तारा रोक लेवे ताकि तुम दिखाइया जा सकन। हाँ। रोक दिता गया सर, वो शुरू हो गया, ये काम शुरू हो गया। यार बड़ी स्पीड ना आ रहा दूध, क्या बात है भाई जान। एक भैंस कितना दूध दे देती है? 5 से 6 किलो एक वक्त का। और दो वक्त निकालते हैं दूध इसमें से या तीन वक्त? दो वक्त निकालते हैं। कितनी भैंस हैं आपके पास? भैंस तो एक है, गाय तीन है, एक भैंस है। तो जनाब ये देखें अपना चारा खा रही है भैंसे, और वो तो रही खैर। ये तीन गायें हैं और एक माशाल्लाह से भाई के पास भैंस है, तो एक संडा है। कट्टा है, संडा नहीं है। कट्टा भी है एक साड़ को है, ओ निका नहीं है, बड़ा कट्टा है साड़ को। इट्स वेरी वेरी लविंग द कट्टा, निके निके बच्चे
एंड आई इंट्रोड्यूस यू द मज्जा एंड गावा ओहो व्हाट आई टेल वेरी खुली डुली इंग्लिश अच्छा जी इंग्लिश ही गल करनी हुन आपा जड़ी गल करनी ना इंग्लिश कोई गलती दी माफी हो जाएगी ना दे नहीं 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 सही बोल रही होएगी गलती ना होएगी दी माफी फसना नहीं है फसना नहीं फसना नहीं है आई एम इंट्रोड्यूस द मज्जा गाइंग एंड यू आई एम कमिंग द दूध लैंड इधर एंड यूसुफ पाइन हां यू आर चोइंग द दूध चोइंग द दूध वेरी वेरी चोइंग दूध वेरी वेरी हां जी ये सब मिक्सिंग हो जाती है हो जाती है हाँ भाई क्या कर रहे हो इधर है काफी खा रहे हो काफी खा रहे हो यूसुफ भाई आपका बेटा अच्छा ये मेहमान आया दूध लेने मेहमान दूध लेने आया है ये किसी और यूसुफ का इनका नहीं अच्छा है। ये देखें जी बड़ी गौर से देख रही हूँ हाँ कुछ चाहिदा अच्छा चलो इनू समझ आ रही है उनू भी समझ आई है यूसुफ भाई ने ते मिंट जी दूध चो लिया सारा माशाल्लाह जी माशाल्लाह स्पीड बहुत ज्यादा है इनमें दी इट्स वेरी डुल्ला दूध आज जी दोबारा आए नान भाई दोबारा आए बहुत मजे हैं दोबारा आए जी वाह 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 पूरा डोल ही भर लिया जी बाबा जी निशानात नहीं है ये दूध ही है जी जेड़ा तुहाडे सामने सबूत है लो जी ये बच्चा जो है वो हमारा हिस्सा पी जा अच्छा असी हाँ गल सही वैसे असी ओदा हिस्सा पी नहीं ये होता है ममता का प्यार अब ये दूसरे बच्चे को अपने साथ नहीं आने देगी ये क्वालिटी देखिए जिस माँ का बच्चा है उसी को दूध पीने देगी दूसरा बच्चा करीब भी नहीं आ सकता उस माँ जी उसने उसको मारना है अगर जितनी भी अगर फॉर एग्जाम्पल 100 गाय भी होगी ना उसमें 100 बच्चा होगा तो वो 100 एक एक बच्चा उसी माँ के पास ही जाएगा जिसका वो बच्चा है हाँ, दूध उसी का पिएगा और किसी का नहीं पिएगा वाह जी वाह क्या बात अच्छा उस्ताद जी इन्हां नूं खान च की दिंदे हो मतलब है की खा रहे ने इस टाइम तुड़ी वंडा पठे तुड़ी वंडा ये मारेगी तुहानूं अच्छा ये कुटदी भी आ जे यूसुफ भाई की हुंदा जे भी जरा दस्सिया जावे वंडे च शहीन अफरीदी हुंदा वा हम भी लोग में इंग्लिश बोलेंगे अब सॉरी माफी मांगते हैं सब बातों की इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिस गाइस गोइंग टू ट्वीट वाइंग पे अच्छा जी यहाँ पे एक साइंस समझ लगी है मुझे किसी भी गाय का दूध जो है वो ना वो चोने से पहले जो है वो बच्चा उसका जो होता है वो पास छोड़ा जाता है वो दूध पीना शुरू करता है तो साथ ही गाय जो है वो दूध देना शुरू कर देती है फिर बच्चे को पूरा कर दिया अक्सर में अक्सर बात ये होती है कि लोग गाय का दूध चोने के बाद बच्चा छोड़ते हैं हमारे यूसुफ भाई पहले पिलाते हैं क्योंकि ओदा हक पहले हक नहीं मारी बाद में खत्म भी हो जाता दूध भी जिसकी वजह से बच्चा परेशान होता है हाँ। पहले पहले पी लिया उस तो बाद ते इन्हां ने छड़ना कुछ नहीं कख ताडे क्योंकि हाँ। तो बाद ही कोई नारा लगया हक 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 ओ यूसुफ भाई हसन दे अज भी पता नहीं केड़े जोकर आ गए ने मेरे को यूसुफ भाई को अगे डेरा लगा रहिंदा पहले होर बंदे यूसुफ भाई दी उंगल चूसी जा रहा लो जी प्यार चेक करो यूसुफ भाई ना बच्चा का
लो जी यूसुफ यूसुफ भाई जो है बड़े ही अच्छे बंदे हैं, बड़े ही अच्छे बंदे। मैं पहली दफा इनके पास आया हूँ और उन्होंने वो क्या कहते हैं उस दूध को, डोके 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 खजूर वाले नहीं, गाय दूध वाले डोके, दूध वाले डोके जड़े आओ बचाए आ। बाकी ये नान भाई फेरिंग होगी, फेरिंग होगी, फेरिंग होगी, फेरिंग होगी, यार। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो दूध पीते हैं ना उनको खालस दूध नहीं मिलता, और आज हम स्पेशली यूसुफ भाई के पास आए हैं क्योंकि पूरे इलाके में मशहूर है इधर कि यूसुफ भाई जो है ना वो खालस दूध देते हैं, और मैंने आज आंखों से देखा भी है भाई जान, जैसे जैसे वो चो रहे हैं दूध को लोगों में बांटते चले जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे जी, दूध 200 300 400 किलो रुपए किलो भी ले लेना आपको खालस नहीं मिलता, कुछ ना कुछ मिलावट ज़रूर होती है। खालस वही है जो खुद जाके देख के आपने लेके आना है। तो यूसुफ भाई का ओपन चैलेंज है कि कोई भी आए हाँ ले जाए, जिसको चाहिए ले जाए यार। लेकिन असी ये नहीं कहते क्योंकि जे यूसुफ भाई ने किसी होर नु दे दिता तो फिर असी कितों लांगे। हाँ, कोई भी आए ना, कोई सिर्फ आके सिर्फ वेखे वेखे स्पेशल डोकों का दूध जो है वो तुहाडी खैर, ये पूंछल जो है ना इसकी ये मुझे पकड़ा दीजिए। ये यूसुफ भाई जो है हमारे लिए निकाल रहे हैं आज, वो कह रहे हैं आप मेहमान आए हैं तो स्पेशल जो ये दूध होता है ना सबसे ज्यादा ताकत इसी में होती है ना यूसुफ भाई। हाँ जी इसी में, ये इसी में। ओदे पेड़े ने समझ लो, ओदे पेड़े ने हैं जेड़े रात नु सोण नहीं दिंदे। ले जी थैंक यू वेरी मच जी, अब पी के देखते हैं कैसा है, पी के बताता हूँ कैसा है। पी के इन्हां ने दसना क्या, वैसे पी के इन्हां नहीं दसना तुहानू, ये कल दे रिजल्ट आउणगे बाद चो पता लगेगा की बनया। कमेंट बाबा जी, मैंने जिंदगी में इतना खालस दूध नहीं पिया, और वो धारों वाला दूध जो पहले भी पिलाया वो भी मेरा फर्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था, और आज बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। यूसुफ भाई थैंक यू सो मच, आओ जी इधर यूसुफ भाई ने साढ़े चुमी ले नहीं हो तुम लो शहजादे ने, और बड़ा ज़बरदस्त जी माशाल्लाह भैंसा इन्होंने संभालिया भी बहुत अच्छा होया, अच्छा संभाला है। अब आस्ट्रेलियन गाय जरा दहा आस्ट्रेलियन गाय, इसका भी दूध आने लगा है, ये भी आता है, तो फिर ट्राई करते हैं। तो जनाब आज बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे क्योंकि एक गांव का कल्चर, पिंड का कल्चर जो है ना वो एक अरसा तराज के बाद देखने को मिल रहा है, और वही यादें जो है वो ताज़ा हो रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं अंदर से। क्यों जी उस्ताद? हाँ जी, बचपन में हम जाते थे ना अपने मामू की तरफ, तो उधर पहले वक्तों में गाय रखते थे लोग, अब शहरों में नहीं रखते। तो उस वक्त ये जो आपने आज करके धारे अंदर सूटी हैं, तो वो जो है वो बचपन में हम ऐसे करते थे। अच्छा देखें फौरन डकार आ गया, पीने के फौरन बाद डकार आ गया। ओ तेरी 10 भी और आनगे, 10 भी और आनगे। जी भैंस के दूध की धारें पी ली हैं, अब गाय के दूध ऑस्ट्रेलियन गाय है, ये ऑस्ट्रेलियन गाय उसकी धारें जो है वो पीते हैं। यार हमें डाले लग रहे हैं, तो कुछ कहना नहीं, कुछ वो खारिश कर रही है। दोबारा जा रहा हूं जी मैं, आ गया जी ला जी। वाह जी वाह, क्या बात है, ये थोड़ा नमकीन है वैसे उससे ना। हाँ। उसका मीठा था भैंस का, गाय का थोड़ा नमकीन है लेकिन मजेदार, प्योरिटी है ना, प्योरिटी काफी ज्यादा प्योरिटी। हाँ। हुण मैं जरा मुंह तोलो, खरीदार भी दिखाओ ना, खरीदार भी। लो जी नन्ना सा बच्चा जो है वो दूध लेने आया है, मेरी जो दूध की बोतल है वो भी ऐसे ही भरी जाएगी जैसे इस बच्चे की भरी जा रही है, खालस खालस दूध जो है ताज़ा ताज़ा दूध लेके जा रहे हैं लोग। उस्ताद जी साड़ियाँ भी ये तो बात भर दो, ठीक है? ठीक, ओके जी। दूध सारा इकट्ठा हो गया है, अब जो है वो इस बड़ी डोल में इकट्ठा कर लिया है, अब देखें माशाल्लाह झाग जो है वो ओरिजिनल दूध की, अब सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहाँ से। माई डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आज माई डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दूध अब सेपरेट हो रहा है, जिस जिसको जितना जितना जाना है उसके लिए। ये नन्हे मुन्ने बच्चे दूध लेने के लिए आए। बच्चा कहाँ से आए हो आप, किधर से आए हो? इधर से ही? घर से, बोलो मैं घर से आया हूँ। घर से आए हो? कितना?
बच्चे तेरा किन्ना वा? बच्चे तोतले बोल रहे ना छोटे छोटे साधा पता तन तीन किलो तीन किलो साधे ता किलो लो जी आपके भाई का दूध। वो भाई का दूध यार, मैं का भाई का दूध गाय का दूध और भैंस का दूध वो तैयार किया है। तैयार वैसे क्या किया, स्पेशल चीज यही है तरफ से हमें अनायत हुई है। और स्पेशल चीज ये है कि यूसुफ भाई हमारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं और खालस दूध जो आज के दौर में जो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल जी, ये हनान भाई आज मुझे खैर नहीं लग रही, खैर नहीं लग रही। यूसुफ भाई दा हसन जो कहंदे यार गल सुन, यूसुफ भाई दा तीजा ब्याह होना, उन्हां दा हसन किथे रुकना, उन्हां दे दो अगे ब्याह ने, तीसरा करना चाहंदे ने घरों, बस तुहानूं पता वा फिर बेगम सानूं तां सुन जा टक्कर लाओ कम कर ला टक्कर। लो जी दूध हो गया अब हमारा रेडी और तीनों की तीनों बोतलें मैंने भर ली हैं। अब इसे जो है वो यूज करेंगे, मिल्क शेक बनाएंगे घर जाके मजे मजे का। मलक शेख, मलक शेख नहीं, मिक्स कर मिल्क शेक, मिल्क शेक न करे वो मिक्स ऐसी। लो जी आबशार आबशार दूध हमने ले लिया है, चेक करें जरा। अब हम जा रहे हैं घर को। हाँ भी चौधरी चलिए, दिल तो नहीं कर रहे को ढोर ना लालिए। नहीं नहीं बस चलिए हम, यूसुफ भाई ने ज्यादा नहीं तंग करना। यूसुफ भाई थैंक यू वेरी मच जनाब, तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी आज स्पेशली सानू खालस दूध जेड़ा कड के दिता है और डोकियां दा। हां जी की देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कि इन्हां दे की इरादे ने अगले। अच्छा यूसुफ भाई की दो शादियां हो चुकी हैं और तीसरी करने के चक्करों में, तीसरी के चक्कर में मैं वो देख रहा हूं कि कितने तक पहुंची है। चले जी थैंक यू वेरी मच, फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।